नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। यह इस्तीफा 10 सितंबर 2019 को दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय कैंप के दौरान उन्होंने अपना सौंपा है। इसके बाद से महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है कि वह किस ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व गणेश उत्सव में उनके घर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने परिवार समेत शामिल होने गए थे, जिसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे 10 दिनों से कि वह कभी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी या शिवसेना के पाले में जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफे की पुष्टि मंगलवार की देर शाम हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह कृपाशंकर सिंह मूलतः यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। कृपाशंकर सिंह साल 2004 की कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कृपाशंकर सिंह एक बेहद ही साधारण परिवार से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम बने। रोजी रोटी के लिए उन्होंने दवा कंपनी में भी काम किया और परिवार चलाने के लिए आलू प्याज भी बेचा। वर्तमान समय में कृपाशंकर सिंह मुंबई के कालीना सीट से